एसडीएम ज्योति मौर्य का नाम आपने तो हर जगह सुन ही लिया होगा कि कैसे उन्होंने एसडीएम बनते ही अपने पति को छोड़ दिया। वो सुर्खियों में है कि उनके पति ने उनको पढ़ाई में मदद करवाई और उनको एसडीएम बनने में मदद करी, और जैसे ही वो एसडीएम बन गई तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया और किसी और के साथ अफेयर चलने लगा। पर अब पहली बार होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का बयान सामने आया है, जिनके साथ अफेयर की लिंक जोड़ी जा रही थी एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ। वैसे ये बयान उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं दिया है, पर उनने कहा है कि वो अच्छे खासे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अच्छी खासी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, पर अब उनको लगता है कि वो गलत जगह आके फंस गए हैं, क्योंकि एक वो नॉर्मल अगर परिवार से आते हैं और कोई नॉर्मल नौकरी कर रहे होते तो शायद इस मामले को उतना तूल नहीं दिया जाता, पर क्योंकि अब वो जिस पद पे बैठे हैं और जो एसडीएम ज्योति मौर्य जिस पद पे है, इसके कारण इस मामले को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ज्योति मौर्य के पति हैं आलोक मौर्य, वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनको पढ़ाया है, पर कई लोगों का कहना है कि पढ़ाने का तो मतलब होता है कि बचपन से पढ़ाना लिखाना, और उनको ये लगता है कि वो एक मिडिल क्लास से आते हैं, तो ये इस मामले को वो पद में जिस पहुंच गए उसके कारण बहुत ही ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। मनीष दुबे ने आगे कहा कि जो शख्स ज्योति को पढ़ाने लिखाने का दावा कर रहा है वो ये तक नहीं बता सकता कि कितने पेपर होते हैं। उनको हैरानी है कि इस चीज को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये तो किसी का एक पर्सनल मामला है। उन्होंने कहा है कि वो खुद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अब इस सबसे उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो खराब हो रही है। वैसे एसडीएम ज्योति मौर्य ने ये तो माना है कि उनके पति ने उनको पढ़ाई में मदद करी है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब वो उनको टॉर्चर कर सकते हैं।